Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome to evidyarthi.in. So, हमने अपने introduction lecture में ये कि work में और work हमारी general terms में और science के terms में अगर work को देखा जाए तो दोनों में क्या difference है. But now, अब क्योंकि हमें पता चल गया कि scientifically work को एक अलग तरीके से define किया जाता है. So now in this chapter number 11 we have work and energy. इसमें हम ये समझेंगे कि किस तरीके से साइंटिफिक टर्म्स में वर्क को समझा जाता है, ठीक है, क्या उसके फैक्टर्स हैं और किन पे वो डिपेंडेंट होता है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ, ठीक है. सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको वर्क की डेफिनेशन कुछ एग्जांपल्स के साथ शो करूंगी, ठीक है. सबसे पहले हम एग्जांपल्स को समझेंगे, दैट वुड मेक इट क्लियर फॉर यू कि भाई वर्क होता क्या है बेसिकली, चाहे वो साइंटिफिक टर्म्स में भी हो बट समझ आना तो नॉर्मल हमारा कोई ना कोई कॉमन ऐसी एक्टिविटी ही है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वर्क होना क्या होता है, ठीक है. चलिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कोई भी एक शॉपिंग कार्ट को पुल कर रहे हैं या हम पुश करके उसे, जैसे बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं आपको पता है, इनफैक्ट आप बड़े स्टोर्स की बात करो या फिर किसी भी मार्केट प्लेस की बात करो तो हम क्या करते हैं अपने शॉपिंग कार्ट को लेके मूव करते हैं, ठीक है. सिमिलरली चाहे कोई एक छोटा सा बच्चा अपनी टॉय कार को मूव कर रहा है तो बाय अप्लाइंग अ फोर्स, यानी कि एक तरीके से वो पुश कर रहा है और अपने कार को मूव कर रहा है, ठीक है. सो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं पे एक फोर्स दिख रही है, या तो पुल करने की या फिर पुश करने की, और उसकी वजह से हमारे ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि उसकी पोजिशन में चेंज आ रहा है, ठीक है. तो यहीं से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि मैं किस कॉन्सेप्ट पर भी पहुंचने वाली हूँ. नाउ मूविंग ऑन, वी हैव अ बुलक कार, ठीक है. अब यहाँ पर हमने देखा है खेतों में कोई भी कहीं पे भी ये बुलक कार चलाए जाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से होता है, जब एक फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर अप्लाई की जाती है, ठीक है. तो इस केस में भी आप समझ रहे हो कि दो ही कॉन्सेप्ट बार बार हमारे सामने आ रहे हैं. अब उसके बाद अगर हम यहाँ देखें, अगेन इफ यू आर लिफ्टिंग अ बुक, अगर ये गर्ल अपनी बुक को लिफ्ट कर रही है तो बेसिकली बुक पे क्या लगाया गया है, फोर्स लगाया गया है, ठीक है. उनको लिफ्ट करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि मेरे सामने बुक पड़ी और मैं ऐसे हाथ करूं और वो अपने आप हैरी पॉटर की मूवी की तरह चिपक जाए, है ना. तो ऐसा नहीं होने वाला. तो क्या करना होता है हमें, वी हैव टू लिफ्ट दी बुक, और उसके बाद वो क्या करता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है. यानी कि बुक की पोजीशन चेंज हुई है. सपोज एक टेबल पे रखी हुई बुक को उठाया गया है तो सबसे पहले उसका जो इनिशियल पोजीशन था वो टेबल था, आफ्टर दैट अगर मैंने उसे किसी और टेबल पे पुट किया है तो उसका पोजीशन चेंज हो गया है और अपने आप बुक नहीं गई है, मैंने क्योंकि उस डिस्प्लेसमेंट को किया है, यानी कि फोर्स अप्लाई जरूर हुई है, ठीक है. तो यहाँ से आपको क्या आइडिया लगेगा कि फ्रॉम द केसेस अबव वी कैन से इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, वर्क इज डन. तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी को अगर डिस्प्लेस किया गया है बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, यस, हम तभी कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी में वर्क हुआ है, ठीक है. तो साइंटिफिकली आपको अब आइडिया लग चुका है कि वर्क होना क्या होता है, सिर्फ टाइम का निकलना नहीं, ठीक है, और किसी भी चीज का वापस उस जगह पे आ जाना वो भी वर्क नहीं कहलाया जाता है. इनफैक्ट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, चेंज हुआ है, और कैसे चेंज हुआ है, बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, तो उस पॉइंट को, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, वर्क इज डन, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ यू पुश एनी हेवी ऑब्जेक्ट लाइक कार, कूलर, रेफ्रिजरेटर, कोई भी बहुत सारे ऐसे हमारे घर में बड़े बड़े अप्लायंसेस होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं जो बहुत ही हेवी मास की है, एंड देन अगर हम कभी भी उसे पुश करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली वो हमसे कभी नहीं हिलता है, राइट. सो इट डज नॉट मूव, देयरफॉर इवन बाय अप्लाइंग फोर्स देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, हेंस नो वर्क इज डन. तो यहाँ पर किस कॉन्सेप्ट की बात करी जा रही है कि भाई फोर्स तो हम लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से इसे समझ सकेंगे कि ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, इतना लोडेड कोई भी बॉक्स है, अब आपको दिख रहा होगा कि वो ओवरलोडेड है इनफैक्ट, है ना. तो क्या हो रहा है, वो जितनी मर्जी फोर्स लगा रहे हैं बट हिलने वाला नहीं है. तो यानी कि एक्सटर्नल फोर्स तो है कहीं ना कहीं बट देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट. तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं होना है, दैट मीन्स तब भी मैं ये कह सकती हूँ कि नो वर्क इज
डन, ठीक है। सिमिलरली हम आगे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। देयर आर सिचुएशंस वेयर देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट विदाउट एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो अब यहाँ पर कुछ इस टाइप की भी सिचुएशंस हमारे सामने आती है जहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है एंड विदाउट एनी फोर्स अप्लाइड, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हो, मतलब कि कोई भी धक्का मुक्की के बावजूद वहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि वो केसेस कौन से हैं, ठीक है। सो एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन दैट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो ये कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रही है। कैसे? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बाय द टाइम चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप यहाँ पर देखो। इसी तरीके से एक और चीज हम देख सकते हैं, सो क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है बट देन नो एक्सटर्नल फोर्सेस बी अप्लाइड, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसा नहीं हो रहा कि पीछे से कार को कोई धक्का दे रहा है और तब जाके वो उस मोशन में है, बट द कार इज एक्चुअली मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो उसकी स्पीड ना किसी भी फैक्टर की वजह से चेंज नहीं होती है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट वॉकिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, अगेन नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई। तो यहाँ पर भी अगर मैं आपको इस एग्जांपल से शो करूं, अगर ये केड आपको इस इंक्लाइंड प्लेन पे दिखेगा, इनफैक्ट अगर हम कभी भी ऐसे स्लाइड्स वाले उसमें होते हैं और यहाँ पर आपको ये शो होता हुआ दिखेगा कि किस तरीके से स्लाइड वाली जो राइड्स होती हैं आपकी पार्क वगैरह में सब जगह होती है ये, तो वहां पर क्या होता है, व्हेनेवर वी आर कमिंग डाउन टू एन इंक्लाइंड प्लेन, जब भी हम किसी भी स्लाइड वाले झूले से नीचे आते हैं तो वहां पर भी हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती, इनफैक्ट अपने आप ही हम एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहे होते हैं, राइट। आपने भी देखा होगा ऐसा नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, अब आप यहाँ ये बोलेंगे कि हमें किसी ने धक्का मारा और हम जाके फिसल गए, बट अगर आपको धक्का नहीं भी लगेगा तब भी उस इंक्लाइंड प्लेन पे बैठते ही आप अपने आप ही इस डायरेक्शन में नीचे आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर दोनों केसेस में हमें क्या दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है बट दोनों ही केसेस एक्चुअल में फोर्स अप्लाई नहीं करी गई है बट डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं ये कह सकती हूँ दैट नो वर्क इज डन, क्योंकि फोर्स का काम यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि दोनों फैक्टर्स कहीं ना कहीं पे इम्पोर्टेंट है, सो वी कैन से वर्क इज डन, ठीक है। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि वर्क हुआ है तो कहीं ना कहीं पे हमारे लिए दोनों फैक्टर्स का होना, प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो हम इसे कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, Therefore, work is done if these two conditions satisfy. तो अभी तक मेरे रीड करने से पहले आप लोगों को पहले ही समझ आ चुका होगा कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्क को होने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है। सो अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो हमेशा कोई एक्सटर्नल फोर्स एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए हमें दिखनी चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा फैक्टर हमें क्या समझ आया है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, तो उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट यानी कि उसकी पोजीशन में चेंज आना चाहिए, ठीक है। नाउ इफ एनी वन ऑफ दीज टू फैक्टर्स इज एब्सेंट वी कैन से नो वर्क इज डन, और इन दोनों में से एक भी फैक्टर अगर हमारे पास एब्सेंट होता है यानी कि अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, या तो फोर्स नहीं लग रही, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जो हमने कार के मूविंग वाले एग्जाम्पल में समझा, या फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा बट फोर्स लग रही है जो हमने हैवी बॉक्स वाले में समझा, तो दोनों में से ही एक भी फैक्टर अगर कहीं पर भी हमारा एब्सेंट होता है तो हम क्लियरली कह सकते हैं दैट नो वर्क इज डन। तो अगर हमें टेक्निकली वर्क को समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि किस तरीके से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रोल है किसी भी चीज के ऑब्जेक्ट के वर्क होने में, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर अभी तक हमने क्या समझा है, फॉर वर्क टू बी डन वी नीड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो अगर हमें कोई भी वर्क कहीं पर भी ऐसा चाहिए कि वर्क हुआ है, वर्क टू बी डन, तो हम क्या कह सकते हैं दैट वी नीड टू फैक्टर्स एंड व्हाट आर दे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अभी तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि हमें इन दोनों फैक्टर्स की नीड है, बट अब इन दोनों फैक्टर्स की नीड कैसे है, क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में रहते हैं या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां पर भी जाके थोड़ा सा वर्क के कॉन्सेप्ट में
ट्विस्ट आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, उससे हमारा केस वन, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो फोर्स से केस वन, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया गया है, अगर उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का हुआ है तो क्या होगा। जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स को उस शॉपिंग कार्ट को या फिर उस कार्ट को मूव करने के लिए फोर्स लगाया जा रहा है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो रहा है। इफ एन एक्सटर्नल फोर्स पुशेज एन ऑब्जेक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी गई है और हमारे ऑब्जेक्ट को कौन सी डायरेक्शन में पुश किया गया है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड, और इसी रिजल्ट से, इसी फोर्स की वजह से हमारा ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है, तो क्या होता है, वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा वर्क कैसा हुआ है, इट इज सेड टू बी पॉजिटिव। नाउ मूविंग ऑन विद द सेकंड केस, क्या होगा यहाँ पर, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फोर्स अप्लाई। अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा अगर ऑब्जेक्ट का, तब हम क्या कहेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कभी ना कभी कोई वो टॉय कार आती है जिसको थोड़ा सा पुश बैक किया जाता है और तब जाके वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ पर भी शो किया है। सो बेसिकली हुआ क्या है, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर हमने जो एक्सटर्नल फोर्स कार पे अप्लाई करी है दैट विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बट डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, लेकिन जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आगे की डायरेक्शन यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ है। सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, द वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव इन दिस केस। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि अगर दोनों ही फैक्टर्स की, जो कि बहुत नेसेसरी है वर्क के लिए, ऑपोजिट है तो क्या होगा, वर्क हमारा नेगेटिव कहलाया जाएगा। ठीक है, इस टाइप में पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क के एग्जांपल्स आपको और भी मिलेंगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में, ये आपका काम है कि मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मिलने चाहिए कि कौन से एग्जांपल्स पॉजिटिव वर्क और कौन से एग्जांपल्स नेगेटिव वर्क के लिए सुटेबल है। ठीक है, सो मूविंग ऑन, अब हम क्या कह सकते हैं, कैसे कंक्लूड कर सकते हैं इसे, कैलकुलेटिवली वे में अगर देखा जाए, वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने अभी तक जितना भी वर्क को समझा है, हमें सिर्फ दो फैक्टर सामने आए हैं, वन इज आवर फोर्स एंड द अदर वन इज द डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, बाय एफ, एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा स्मॉल एस। ठीक है, सो एस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। तो एस हमेशा कहाँ होना चाहिए, जनरल डेफिनेशन अगर वर्क की देखी जाए तो वर्क हमेशा पॉजिटिव टर्म्स में ही डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, आइडियली अगर वर्क को हमें डिफाइन करना है देन इट शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा ये नोट करेंगे, मेंशन करेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट हमारा होना चाहिए इट शुड ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी डायग्राम से देख रहे होंगे कि किस टाइप में अगर फोर्स इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाई गई है देन द डिस्प्लेसमेंट शुड ऑल्सो बी इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, चलिए नाउ मूविंग ऑन, व्हाट वी हैव, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज व्हाई वी से वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब क्योंकि इसको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, और वर्क में मैग्नीट्यूड होना बहुत जरूरी है, यानी कि उसकी वैल्यू इम्पॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करना चाहते हैं, एक बार इसे चेक करते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन विद वर्क, अब हम क्या कह सकते हैं इसकी यूनिट के बारे में। यूनिट से पहले एक चीज हमें और समझना जरूरी है, दैट वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। अब वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो में, यानी कि नो वर्क में हम डिफाइन तो कर सकते हैं, बट बेसिकली अगर देखा जाए तो उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, एंड इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि उसकी वैल्यू के लिए बहुत, उसकी वैल्यू होना जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट वर्क इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन एंड इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। तो वो टर्म्स को क्या कहा जाता है, उन कॉन्सेप्ट्स को कौन सी क्वांटिटी कहा जाता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन।
सो क्या कहते हैं हम उसे, स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए वर्क हमारा क्या रहेगा, इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम वर्क को डिफाइन करते हैं। अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि वर्क जितने भी एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं किन दो फैक्टर्स पे डिफाइंड है, ठीक है, बेस्ड होता है। तो उसी तरीके से हम वर्क को डिफाइन करेंगे। द वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट सच दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट में हम तभी कह सकते हैं दैट वर्क इज डन जब किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, चलिए। सो आई होप आपको वर्क का डेफिनेशन इससे एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझ आया हो, ठीक है। अब मूव करते हैं कि वर्क की यूनिट क्या होगी। हमें बहुत क्लियरली समझ आया है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द टू फैक्टर्स जिस पे हमारा वर्क डिपेंडेंट होता है। तो जाहिर सी बात है कि वर्क की जो यूनिट निकलने वाली है वो भी इन्हीं दो फैक्टर से निकलेगी। कैसे, एक बार देखते हैं। सो इफ फोर्स इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, अगर हमारे पास फोर्स से हम ले लेते हैं 1 न्यूटन एंड हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट विल बी 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से भी इंडिकेट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कैपिटल एस लेना। ओके, चलिए। सो देन द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 1 न्यूटन मीटर। तो अगर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके बीच में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और अगर उसे डिस्प्लेस किया गया है बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो उस पर कितनी फोर्स लगाई गई है, फोर्स हमें गिवन है 1 न्यूटन। तो हम क्या कह सकते हैं कितना वर्क उसमें हुआ है, द वर्क वुड बी इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। चलिए, अब आपको इतना तो समझ आया कि हम उसे न्यूटन मीटर में शो कर सकते हैं, बट वर्क इज इक्वल्स टू 1 जूल। अब हमने इसे जूल में क्यों इंडिकेट किया है, बिकॉज ये एक जेम्स जूल नाम के साइंटिस्ट थे जिनकी ऑनर में इसको यूनिट दिया गया है, ठीक है। इस वजह से न्यूटन मीटर को आप जूल में हमेशा रिप्रेजेंट करते हो। जितने भी एग्जाम्पल्स है, जितने भी न्यूमेरिकल्स आप करोगे उसमें वर्क की यूनिट हमेशा कैपिटल जे यानी कि जूल से मार्क की जाती है। सो दस हम क्या कह सकते हैं, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके 1 मीटर के डिस्टेंस पे डिस्प्लेस करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज बीइंग डन, ठीक है। चलिए, सो नाउ वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव अ वन रिलेटेड और अदर अनदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट नोन एज एनर्जी, ठीक है। तो वहां पर अब हम उसके बाद किस तरीके से वर्क एनर्जी से रिलेटेड है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, उसे समझेंगे। अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय।